अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से आपके साथ। तो व्यूअर्स, आज हम ऑर्गेनिक स्प्रे बनाएंगे जो कि बिल्कुल केमिकल से पाक होगी। और व्यूअर्स, आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे प्लांट को पानी की ज़रूरत कब पड़ती है। तो अक्सर ओवर वाटरिंग का मसला दरपेश होता है हमें, तो हम उस ओवर वाटरिंग से बचने के लिए ये आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आज हमने पानी जो प्लांट को देना है वो किस तरह देना है और कैसे देखना है कि प्लांट को कब ज़रूरत पड़ रही है अब पानी देने की, और ताकि हमारे प्लांट ओवर वाटरिंग से बच सकें। और जो आप इस टाइम पत्ते देख रहे हैं ये नीम के पत्ते हैं, तो हम नीम ऑयल तैयार करेंगे। तो नीम ऑयल तैयार करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसके लिए ये लहसुन का पेस्ट मैंने पीसा हुआ है। और अब हम नीम के पत्तों को पानी के अंदर डालेंगे। पानी आपने अंदाज़े के मुताबिक डालना है कि इतना ज़्यादा पानी ना हो। पानी जितना कम होगा हमारा नीम ऑयल उतना ही बेहतर बनेगा। तो हमने नीचे आँच जलाई हुई है। अब हमारा पानी गर्म हो गया है, तो अब हम इसको नीम ऑयल के पत्तों को इस पानी के अंदर डालेंगे। अभी नीचे आंच जल रही है। तो हमने नीम ऑयल के पत्ते इसके अंदर डाल दिए हैं, तो अब हम नीचे से आंच बंद करेंगे। मैं इस आंच को बंद कर दूंगा। इसको अब मैं ढांप दूंगा किसी चीज़ से ताकि हमारी बाप बाहर ना निकले। तो ये कम से कम हमने 4 से 5 घंटे इसी तरह इसको रखना है। तब तक मैं अपने व्यूअर्स को ये तरीका बताता हूँ कि प्लांट्स को कैसे देखते हैं ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए। इस पॉट में एक प्लांट लगा हुआ है, तो अब इसको हम चेक करेंगे कि इसको पानी की अभी ज़रूरत है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है इसको चेक करना। अब मिट्टी को यूं खोदिए हल्का सा और इसकी नमी चेक करें। इसमें इतनी नमी नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे प्लांट को पानी की अब ज़रूरत है। और उसके बरक्स अब हम इस प्लांट को चेक करेंगे कि इसमें नमी है या नहीं। इसमें अभी नमी है, तो इस प्लांट को अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम प्लांट के पत्तों को भी देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे प्लांट्स को पानी की अभी ज़रूरत है या नहीं। तो अगर आप सोचते हैं कि हम सॉइल के ऊपर ही से देख लेंगे, मिट्टी के ऊपर से देख लेंगे, तो मिट्टी के ऊपर से देखने से ये देखें यहाँ से ये खुश्क है, तो आप सोचेंगे कि इसको पानी की अभी ज़रूरत है, लेकिन इसको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मिट्टी को खोद के देखा है, इसमें अभी नमी मौजूद है। और इसी के हम प्लांट को चेक करेंगे। ये देखें, इसके पत्ते बिल्कुल हेल्दी हैं और ये मुरझाए नहीं लग रहे, तो इसका मतलब इस प्लांट को अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बरक्स हम दूसरा प्लांट चेक करते हैं। तो ये वाला प्लांट जिसमें नमी मौजूद नहीं थी, तो इस प्लांट को हम चेक करते हैं। ये देखें, इसके पत्ते मुरझाए हैं, तो इसका मतलब है इस प्लांट को पानी देने की ज़रूरत है। तो इसको हम पानी दे देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब हम नीम के पत्ते बाहर निकालेंगे और देखते हैं कि हमारा नीम ऑयल किस तरह का तैयार हुआ है। तो चलें निकालते हैं हम पत्ते। इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं।
तो हमारा नीम ऑयल बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस नीम ऑयल में लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले बना के रखा हुआ था। ये लहसुन का पेस्ट इसमें मैं डाल दूंगा। अब इसे मिक्स कर देंगे हम, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और साथ ही हम ये बात कर लेते हैं कि ये हमारे, और व्यूवर्स अब हम साथ साथ ये बात करते हैं कि ये हमारा नीम ऑयल किस किस कीड़े को तल्फ करने की सलाहियत रखता है। उसमें सबसे पहला नंबर लीव माइनर, जो कि वाइट लाइने होती हैं पत्ते के अंदर, उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है माइनर सा, उसको ख़त्म करता है। उसके अलावा ब्लैक कीड़ा, जो कि अक्सर हमारी चिल्ले के प्लांट को लगा होता है, और उसके अलावा वाइट कीड़ा है, और इसके अलावा एक उसे हम बोलते तो वाइट है लेकिन वो ग्रीन तेला होता है, ये उसको भी ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और ग्रीन तेले को एक, इसके अलावा एक और ट्रिक भी है उसको ख़त्म करने का। अगर आपके प्लांट्स को ज़्यादा ग्रीन तेला लगा हुआ है तो आप अपने प्लांट्स को पाइप की मदद से धो दें तो वो ग्रीन तेला पानी की वजह से बह जाएगा साथ, और उसके बाद आप नीम ऑयल स्प्रे करें तो वो बहुत ही कारामद होगी। तो वेल, अब हम इसे स्टोर कर लेते हैं बोतल के अंदर, सोडा बोतल के अंदर, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये सबसे अच्छी ऑर्गेनिक स्प्रे तैयार होती है इससे। तो मैंने इसे 1.5 लीटर नीम ऑयल को तैयार किया है। स्प्रे करेंगे अपने प्लांट्स को तो आपको अजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीम ऑयल के जो हम नीम ऑयल बनाते हैं ये तो बहुत ही इजी है बनाना, और इसमें कौन से पैसे हमारे खर्च होंगे। हमें एक प्लांट ढूंढ रहा है बाहर, इसका बड़ा ट्री ढूंढ रहा है, वहाँ से हम पत्ते ले लें या किसी से आप मंगवा लें पत्ते अगर आपके नज़दीक तरीन नहीं है तो नीम के दरख्त के आप पत्ते मंगवा के, काफ़ी सारे मंगवा के भी उसका नीम ऑयल तैयार कर सकते हैं, कि उसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसको स्टोर करने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी व्यूअर्स ने कोई सवाल पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।